ओके स्टूडेंट्स कंटिन्यू फोर्थ एंड फाइव होमवर्क सिक्स्थ वन ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू हियर आई एम सिंप्लीफाइंग दिस विल बी सेम सो दिस एंड दिस टर्म विल बी गॉन यू विल गेट दिस आंसर। सेवंथ इज होमवर्क फॉर यू show that means prove that 3x plus 7 whole square minus 84x is equal to 3x minus 7 whole square. Here you have to do first LHS and then RHS, both answer will be same. So take first LHS, here I am doing this LHS, okay, answer is over here. Then take RHS. So from equation 1 and 2 you see the answer will be same. So LHS equal to RHS. Question number 2, it is HW. Question number 3 I am doing over here. four upon 3m minus 3 upon n whole square plus 2mn is equal to 16m 16 upon 9m square plus 9 upon 16n square. To aap pehle LHS lijiye. सिंप्लीफाई कीजिए यू विल गेट दिस आंसर। तो आपका आंसर यहाँ एल एच एस करोगे ना डायरेक्ट ही आ जाएगा आर एच एस। देख लो 16 अपॉन 9 एम स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 16 एम स्क्वायर। सो समटाइम्स व्हेन यू एल एच एस एंड आर एच एस सेपरेटली, समटाइम्स व्हेन यू एल एच एस योर आंसर विल बी गेट आर एच एस, समटाइम्स यू डू आर एच एस यू विल गेट एल एच एस आंसर लाइक दिस वे। 4 and 5 इट इज होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट 71 स्क्वायर। चलो तो 71 मीन्स व्हाट बेटा, 71 मीन्स 70 प्लस 1 होल स्क्वायर। सो हियर यू यूज विच आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो ए इक्वल टू व्हाट 70, बी इक्वल टू व्हाट 1। सो यूज दैट फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 70 स्क्वायर, 2 ए मीन्स 70, बी मीन्स 1 स्क्वायर। So 7 square means 49, double 0, 70 whole square. 72 is 140 plus 1. So your answer will be like this one. Finally, you add this. Here I am doing. Similarly, 99 square. 99 square means what? 99 square means 90 plus 9 whole square bhi chalega. Or 100 minus 1 whole square bhi chalega. अगर 90 प्लस 9 होल स्क्वायर से आपको करना है देन यू हैव टू यूज ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, और इससे करना है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी। आप कोई भी मेथड से ये कर सकते हो, करेक्ट आंसर तो आपका सेम आएगा। थर्ड इज होमवर्क, फोर इज ऑल्सो होमवर्क। थर्ड टू फोर फाइव, 5.2 होल स्क्वायर अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, 5 प्लस 0.2 मीन्स 5.2 होल स्क्वायर करो। ये आपका ए आपका बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर से आप कर सकते हो। पूरा यहाँ एड भी कैसे करना है, हियर आई एम शोविंग यू। सिमिलरली अभी देखो ये 297 मल्टीप्लाई बाई 303, तो आपको यहाँ पार्टीशन करना है। 297 303 में आप क्या कर सकते हो, तो ये आप देखो 300 प्लस 3 से ये होता है और ये 300 माइनस 3 तो 297 होता है। यानी यहाँ आपने कौन सा अभी आइडेंटिटी यूज करना है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी ये और ये मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट यूजिंग आइडेंटिटीज इट सेव्स योर टाइम फॉर कैलकुलेशन, राइट। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ऐसे इसको पार्टीशन करो कि जैसे यहाँ 0 0 हो जाए तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। वैसे ही इसका पार्टीशन यही क्यों किया, बिकॉज देखो ये राउंड नंबर्स है, 300 माइनस 3 और 300 प्लस 3, इसके पार्टीशन और भी है लेकिन वो नहीं करने का, जो इजी है वही करने का। तो देखो तो 3 स्क्वायर यानी 9, 2 0 तो 4 0 आ जाएंगे, 3 स्क्वायर 9 आप माइनस करोगे यू विल गेट दिस आंसर्स, करेक्ट। So identity is used to do our calculation very very easily and within a less time.
The seventh one, it is homework for you, but I am giving the hint. 78 into 82 means what? 80 minus 2, 80 plus 2, and do by yourself. 8.9, here also I am giving the hint. 8.9 means 8 plus 0.9 whole square. Or you can do this 9.0 minus 0.1 whole square. So, be 8.9 aa jayega. So, this you can do by a plus b whole square identity. This you can do by a minus b whole square identity. Okay. यहाँ तो बोली दिया कि यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी। चलो तो ये 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर है, अलग करने जाओगे तो इट मेक्स टाइम कंज्यूमिंग, ये इजी हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 51 प्लस 49 मीन्स 100 एंड 51 माइनस 49 मीन्स 2, सो 100 टू द 200 इमीजिएटली आंसर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ different identities. 1.02 whole square minus 0.98 whole square. A square minus B square. A plus B, A minus B. Addition कर दो इसका, you will get this. यहाँ इसका subtraction कर दो, you will get this. You will get this answer. Very easy. 153 square minus 147 square. So 153 plus 147, 153 minus 147. 300 into 6, you will get 1800 answers. Fourth one, it is homework for you. Now, question number 8. Using x plus a, x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus a b identities and find the following. अभी ये देखो, 103 multiply by 104. तो यहाँ क्या करेंगे? 100 plus 3 into 100 plus 4. देखो, यहाँ 100 same है. Means x will be same. A and b, a is 4 and b, b is A is 3 and B is 4. So you can do this activity, you can apply this identity. Yeah. So x square means 100, x means 100, 3 plus 4, 3 into 4. Then simplify. Second also, very interesting, 5.1, 5.2, 5 plus 0.1, 5 plus 0.2. Yani A, x plus A, x plus B, x yaha 5 hai. तो 5 स्क्वायर प्लस x यानी 5 इंटू ब्रैकेट a प्लस b मीन 0.1 0.2 a एंड b है a इंटू b, सो लाइक दिस वे यू कैन डू। सेकेंड वन, 103 मल्टीप्लाई बाय 98, 103 मीन्स 100 प्लस 3, 98 मीन्स 100 माइनस 2, सो यू कैन डू दिस एक्ट बाय फोर्थ वन, 9.7, 9.8। सो हियर दिस इज द एंडिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद आइडेंटिटीज। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट सेशन आई विल सेंड यू द कंसेप्ट एंड द होल चैप्टर सॉल्यूशन। थैंक यू।